अंबिकापुर में युवक को अज्ञात व्यक्ति को लिफ्ट देना महंगा पड़ गया। नौकरी लगवाने का झांसा देकर अज्ञात व्यक्ति उसकी बाइक, एटीएम समेत नकदी लेकर फरार हो गया। युवक की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कोतवाली प्रभारी के मुताबिक सरगमा नर्मदापुर गांव का दूधनाथ पैकरा गुदरी बाजार में अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने प्रतापपुर जाने के लिए अज्ञात व्यक्ति को लिफ्ट दी। अज्ञात व्यक्ति ने वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से बाइक और एटीएम कार्ड लेकर 27,000 रुपए निकाल लिए। काफी देर तक आरोपी के वापस नहीं आने पर युवक को पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। वो गांव का व्यक्ति था, भोला भाला था, और भोलेपन के कारण अपने गाड़ी में बिठा लिया। रास्ता में जाते समय उसको चिकनी चुपड़ी बातें किया, उसमें बातें ये बोला कि आपको मैं नौकरी में लगा दूंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उसके लिए आप विचार कर लीजिए। तो रास्ता में जाते जाते वो लोग फिर चल लिए कल्याणपुर उसके घर में। उसके घर में गए तो वो बोला कि आपके पास बैंक पासबुक है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है क्या? नौकरी लगाने के लिए सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। प्रार्थी ने बोला ये सब चीज़ मेरे पास नहीं है। प्रार्थी के मोबाइल में कुछ टाइम में मैसेज आया 27,000 रुपया कट जाने का। तब फिर उसको डाउट हुआ कि साहब ने मुझे ठग के भाग गया है, तो उसके आवेदन पे 420 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। वाराणसी